अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं और यहाँ से 150 किलोमीटर्स के आसपास कोलकाता है। बाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है हमारा। काम क्या कर रहा है, चल रहा है एंड एक्चुअली लेकिन हम लोग अभी यहाँ क्या बात कर रहे हैं, चलिए शुरुआत से देखिए। चलिए पीछे हम थोड़ा आगे आ गए हैं, आगे जाइए। Guys, welcome back to my channel and hope you guys are doing absolutely good. So, अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग कल राइड पे जा रहे हैं सुबह 4 बजे तो कोई और निकलेगा धनबाद से। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं 5 बजे और विल बी गोइंग NH2 हाईवे। सो अभी रात को मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि क्या क्या मैं ले जाऊँगा। ये है मेरा चेस्ट माउंट फॉर GoPro, ये मेरा GoPro माउंट, हेलमेट है, सब तो दिख रहा है। ये बेसिकली मुझे लैपटॉप्स भी ले आने होंगे क्योंकि मेरा अभी ऑफिस आवर्स चल रहा है, ऑफिस आवर्स में ट्रिप करना हेल। तो हमारा प्लान ये है कि मेरा ऑफिस आवर्स 10 बजे स्टार्ट होता है तो हम लोग 5 बजे निकलेंगे और यहाँ से यूजुअल टाइम लगता है 5 आवर्स के आसपास ही, तो वील रीच देयर अराउंड 10 और थोड़ा 1 घंटा तो चलता है, 11 बजे लॉग इन कर लेंगे। लेकिन तुम 10 बजे मीटिंग भी है यार, छोड़ो अभी टेंशन नहीं रहना है, कल पहुँचते हैं। चलिए अब सुबह मिलते हैं आपसे, मैं सोता हूँ यार, 11 बज चुका है। Yeah, guys. 5:30 हो चुका है, 5 बजे निकलने का प्लान था, मैं 5 बजे से यहाँ खड़ा हूँ संजय चौक पे। साहब लोग आए नहीं अभी तक, अभी बात हुआ अभी निकले हैं वो लोग। हाँ, आधे घंटे लेट यहीं हो गया था, तो वे निकलने का प्लान था हमारा। मीट जावावती, चलिए बाय, रास्ते मिलते हैं। और जो आगे बाइक जा रही है और बाइक है वो लोग आ गए हैं। तो 245 किलोमीटर्स है मुकमा टू कोलकाता एंड हमें हमारा प्लान है कि ये डिस्टेंस हम लोग 5 आवर्स में ख़त्म करेंगे। एंड अभी यहाँ से 30 किलोमीटर्स आगे आसनसोल से एक और राइडर हमें ज्वाइन करेंगे मीत परमन। तो उसके बाद हमें डायरेक्ट हमारा स्टॉप रहेगा शक्तिगढ़। देखिए हमारा प्लान तो है कि कहीं रोके ना, पर लेट्स सी। अगर आप NH से आ रहे हैं तो ये जो टोल आपको दिख रहा है ये आपको पहला टोल मिलेगा, तो बाइक्स के तो टोल नहीं लगते हैं यहाँ पर। लेकिन पास बाय द साइड कोलकाता तक रास्ता बिल्कुल सीधा है NH, हमें बस स्ट्रेट ड्राइव करना है और हम लोग कोलकाता पहुँच जाएंगे। एंड ऑफ ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद पड़ाका रहता है, तो मुकमा से जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा सामने है। आई गेस इट विल बी अराउंड 8 किलोमीटर्स मुकमा, अगर हाईवे टू हाईवे देखेंगे तो। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रिज आई विल बी इन बंगाल, सो देखते हैं कोई चेकिंग वेकिंग है कि नहीं, आई गेस होनी तो चाहिए। पुलिस की गाड़ी तो लगी है तो क्या रोकेंगे नहीं रुकने वाले, चलो ठीक है। बंगाल पुलिस है ना, ये थोड़ा बदमाशी भी करता है, जैसे झारखंड का देखिए बैरिकेड्स एंड ऑल लगा हुआ है। वी आर क्रॉसिंग बंगाल, मतलब ये हम लोग बंगाल में, दिस इज बड़ाकर। तो बंगाल का पुलिस ज़्यादातर झारखंड के जो नंबर प्लेट होते हैं देख के वो गाड़ी रुकवाते हैं। हाँ, तो वी हैव रीच्ड शक्तिगढ़, यहाँ पे हम लोग नाश्ता नॉल करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9, तो हम लोग बीच में भी रुकते रुकते आ रहे थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और हमने स्टार्ट भी है आपको पता ही है लेट किया है, 5:30 बजे हमारा प्लान था 5 बजे चलने का। तो दिस इज़ आवर बसंतीज। अगर आप कोलकाता जाते हैं तो आई गेस एक ब्रेक लीजिए, शक्तिगढ़ आइए। शक्तिगढ़ में ये सब बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कचौड़ीज ऑल मिल जाएगा आपको। यहाँ पे फेमस है एक चीज़ लेमचा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं स्वीट डिश। तो हमारा अभी यहाँ से कोलकाता है 102 किलोमीटर्स, सो हमारा प्लान रहेगा कि 11 बजे तक हम लोग घुस जाएँ, अभी 9 बज रहा है। तो ओके निकलते हैं, लेट नहीं करते हैं। अरे यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया है मेरा, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम मिल गया सिटी से पहले, जहाँ भी जाना है अभी लेमन ट्री होटल वो 30 किलोमीटर्स है यहाँ से,
इतना ट्रैफिक जाम, और सारे दोस्त अभी बज चुके हैं, 10 बजे से मेरा ऑफिस था। लगने वाली है भाई लोग, लगने वाली है। अरे बंद करो यार गाने, ये कौन लगा दिया। चलो सिटी एंटर तो हम कर चुके हैं, जैम्स तो क्लियर अप हो रहे हैं, अब डायरेक्ट हमारा मेरा स्टॉप रहेगा। और दिक्कत ये है कि फ़ोन में ऑन कर सकता नहीं हूँ कुछ रीजंस के वजह से, तो मुझे रास्ता पूरा पूछ के ही जाना। कितना दूर पड़ेगा? सीधा सीधा ना ডান দিকে যেতে হবে, তারপর বাইক যেতে হবে। বাংলা আপনি বাংলা নেই আপনি সিধা যাবেন। न्यूटन पहुंच गए हम लोग, और यहाँ से होटल तो सामने ही है। और देखिए अभी तो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये रेस्टोरेंट है, एंड यहाँ पे विश्व बंगला गेट भी कहा जाता है इसको। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी ग्लोब थी पहले, जो कि विंड के चक्कर में गिर गई थी। सो गाइस, रात हो गया है और मैं बीच का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि अचानक मेरे ऑफिस का बहुत फ़ोन आने लगा था, मैं उससे बिज़ी हो गया था बहुत। तो अभी मैं शाम के अभी 7 बज रहे हैं और मैं अभी फ्री हुआ हूँ। हम लोग लेमन ट्री में रुके हैं, द गलेरिया जो नहीं है यहाँ पे एक। ये व्यू है रूम का, आप देखेंगे कि अगर वीडियो में समझ में आ रहा हो तो दिस वन इज हावड़ा ब्रिज, बहुत ही हेजी वे में आ रहा है। कितना सही लुक है यहाँ का। वो हेलो गाइस, हम लोग अभी धनबाद के लिए निकल रहे हैं कोलकाता से। लेमन ट्री में हम लोग रुके थे, स्टे वाज क्वाइट गुड। दिस इज माय फ्रेंड अंकित भैया, नवनीत, अमन एंड योर बाइकर, सो लेट्स डू इट। हेलो, सो हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं धनबाद के लिए, और कोलकाता से 30 किलोमीटर्स आगे आए हैं हम लोग, और वहाँ पे हमें एक ढाबा मिला। रात के बज रहे हैं 10, और सोचे कि डिनर कर ले, तो कोई अच्छा ढाबा तो दिख नहीं रहा था, तो एक ऐसा छोटा सा दिखा है, वही हम लोग खा रहे हैं। ओके, फिर हम लोग निकलेंगे, आई गेस हम लोग 2 बजे तक धनबाद पहुंच जाएंगे। सो मीट यू ऑन द वे। ये शक्तिगढ़ है, यहाँ पे अगर आप लोग को नाइट में करेंगे तो यहाँ कुछ कुछ ढाबे खुले रहते हैं, जैसे लांचा काठी हो गया। जूम कर लेते हैं इसको, ये शक्तिगढ़ में पड़ेगा। अब यहाँ से मुगमा जो कि मेरा घर है वो अराउंड पड़ेगा 148 किलोमीटर्स के आसपास। सो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बज रहे हैं 12, तो हम लोग आई गेस 2 से 3 बजे के बीच में पहुँच जाएंगे मुगमा।
क्योंकि राइट सही है। यहाँ पे दिक्कत ये भी है ना कि ये एनएच पे ना लाइट्स नहीं है, तो आपको जो लाइट्स पे कंसंट्रेट करके चलना होगा वो दूसरी व्हीकल्स की गाड़ियों पे कंसंट्रेट करके चलना होगा, दिक्कत ये है। तो क्रूजिंग स्पीड विल बी अराउंड 60-70, उसी पे आप क्रूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस रिस्की मैन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम देखिए ट्रक्स ही हैं, सिर्फ यहाँ ट्रक्स ही दिखेंगे मैक्सिमम। सो राइड सेफ अगर आप इस रूट से आ रहे हैं तो। अभी 2 बजने वाला है, 1:45 हो रहा है और हम लोग पहुँचे हैं अभी दुर्गापुर में। तो दिस इज दुर्गापुर। दुर्गापुर ऐसे अच्छा है, अभी हम दुर्गापुर से थोड़े आगे निकल गए थे तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, चाय हमारा बन रहा है एंड चलिए। पुलिस इज ऑल्सो एट द वर्क एंड यू गाइस कैन सी, मैं उस तरह पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। ओके बाय। सो गाइस हम लोग का कोलकाता राइड ख़त्म होने को आ रहा है, कल स्टार्ट हुआ था, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये क्या कुछ बोलना है, ये क्या होता है? ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, एंड राइडिंग फ्रॉम कोलकाता टू धनबाद, ओके, वाज ऑफ फन। 260 किलोमीटर मोर देन दैट, 272 किलोमीटर, ओके 272 किलोमीटर। एंड मैं एक ये देना चाहूंगा योर बाइकर ने, ये कितना होगा 272 एंड 272 इंटू करके बताओ पहले, तुम बताएगा अभी इंटू करके 544। वीडियो में जा रहा है, ऐसा ही बताना है 544। हाँ ठीक है, तो 544 में ये चाय आ गया हमारा, ये 544 में योर बाइकर ने सिर्फ 50 किलोमीटर चलाया है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और ये इनका वीडियो जो आएगा उसमें कुछ फेंकेंगे, तो ये अभी मैं अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सबूत है। एंड द सेम इन्होंने सुबह नहीं नहीं मैंने चलाया है, ये फर्जी है भाई, मैंने चलाया है यार, ये हाँ क्या मैंने चलाया है बस। इन्होंने 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 कोलकाता से रिटर्निंग में कोलकाता धनबाद इन्होंने राइड किया पूरा, समझे? ये नहीं राइड किया, तो ये मुझे अभी आँख दिखा रहा था जब इसके साथ कैमरा नहीं था, मुझे आँख दिखा रहा था। ओके बाय।